हैं एक तस्वीर हजारों शब्द बयां करती है। ऐसी ही एक बोलती हुई तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस तस्वीर को जो भी देख रहा है वही इस जाबाज सिपाही को सलाम ठोक रहा है। तस्वीर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा इत्मीनान से ये फोटो देखिए। फोटो ये बताने के लिए काफी है कि खाकी का फर्ज कैसे निभाया जाता है। इस तस्वीर में एक जाबाज सिपाही नजर आ रही है जिसने अपनी जान पर खेलकर मासूम को बचाया। तस्वीर राजस्थान के करौली से सामने आई है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है जिसकी खूब तारीफ हो रही है। दरअसल राजस्थान के करौली में बीते शनिवार को नव संवत्सर पर हिंदू संगठनों की तरफ से निकाली गई बाइक रैली पर पथराव के बाद जमकर आगजनी हुई थी। इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जो देखने में बहुत भयावह थी। इन्हीं तस्वीरों के बीच एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें जाबाज पुलिस कांस्टेबल नेत्रेश एक मासूम को सीने से लगाए आग की लपटों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस एक तस्वीर पर हर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। तमाम आईएएस आईपीएस भी इस सिपाही को सलाम ठोक रहे हैं। आईएएस अवनीश शरण ने ट्विटर पर इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, मैं खाकी हूँ। आईपीएस सुकृति माधव ने लिखा, तम में प्रकाश हूँ, कठिन वक्त की आस हूँ। So proud of Constable Netresh Sharma of Rajasthan Police for saving a precious life. This picture is indeed worth a thousand words. पूरा मामला आपको एक बार फिर से बता दें। दरअसल जिस वक्त करौली में आगजनी हुई उस वक्त दो महिलाएं बचने के लिए पास के मकान में छिप गईं। लेकिन देखते ही देखते इस मकान को भी आग की लपटों ने घेर लिया। इस दौरान महिलाओं के साथ एक बच्चा था जो जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर कांस्टेबल नेत्रेश ने बच्चे और महिलाओं को सकुशल बाहर निकाला। इस तरह से तीन जिंदगियां बच पाई। नेत्रेश की इसी जाबाजी की तारीफ राजस्थान पुलिस ने भी की है और लिखा, एक मां को साथ लिए सीने से मासूम को चिपकाए दौड़ते खाकी के कदम राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा के जज्बे को सलाम। करौली उपद्रव के बीच आमजन की सुरक्षा पुख्ता करने में जुटी पुलिस। खबर यह भी है कि कांस्टेबल नेत्रेश की इसी जाबाजी को देखते हुए उनका प्रमोशन कर दिया गया है और उन्हें हेड कांस्टेबल बना दिया गया है। बहरहाल आपका इस जाबाज सिपाही को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।